Hi everyone, welcome once again to the world of idioms, phrases and proverbs. This video deals with 11 entertainment idioms followed by its meanings and examples. Namaskar dosto, ye video jo hai 11 entertainment idioms ke baare mein hai jo ki film ki duniya ya fir TV vagaira ki duniya se liya gaya hai. These are the 11 entertainment idioms and phrases. Ye yahan pe list hai उन एंटरटेनमेंट idioms की जिनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है. टू बी इन द लाइमलाइट, टू बी इन द लाइमलाइट मीन्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं, यानी कि पूरी जो अटेंशन है वो पूरी पब्लिक का ध्यान जो है उनकी तरफ रहे, तो उसको हम टू बी इन द लाइमलाइट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन एट ए यंग एज मिताली लाइक्स टू बी इन द लाइमलाइट. बहुत छोटे कम उम्र से मिताली जो है हमेशा अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना चाहती है. उसे लगता है कि लोग, सारे लोग उसकी तरफ ही ध्यान दें. द प्रेजेंट प्रेसिडेंट इज इन द लाइमलाइट नाउ बट फेम इज टेम्पररी. ये जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट, वो अभी लाइमलाइट में है यानी सुर्खियों में है, बट ये फेम जो है ये टेम्पररी है. सेकेंड, टू मेक अ क्लाउन ऑफ योर सेल्फ. टू मेक ए क्लाउन ऑफ योर सेल्फ मीन्स टू मेक योर सेल्फ अपीयर फुलिश और स्टूपिड, यानी कि दूसरों के सामने अपने आप को बेवकूफ दिखाना, मूर्ख साबित करना, ये इसको कहते हैं टू मेक ए क्लाउन ऑफ योर सेल्फ. आई वॉज सो नर्वस दैट आई मेड ए क्लाउन ऑफ माई सेल्फ ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन. यानी कि मेरा प्रेजेंटेशन था और मैं इतना नर्वस था कि मैं सबके सामने बेवकूफ बन गया. मार्टिन शुडंट हैव ट्राइड टू फ्लर्ट विद हर. He made a real clown of himself. Martin को ये चाहिए नहीं था कि वो उसके साथ फ्लर्ट करे, क्योंकि उससे वो बेवकूफ साबित हुआ. वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ है कि उसके साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश किया. नंबर थ्री, टू बी ए म्यूजियम पीस. इफ समथिंग इज रेफर्ड टू एज म्यूजियम पीस, इट इज वेरी ओल्ड फैशन. अगर आपको कोई कहता है कि आप एक म्यूजियम पीस हो, इसका मतलब आप बहुत पुराने विचारों वाले या ओल्ड फैशन हो गए हो और आउट ऑफ फैशन हो गए हो. यानी कि समथिंग दैट इज वेरी ओल्ड फैशन एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड एनी लॉन्गर, यानी आज के जमाने में उसे यूज नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसे म्यूजियम पीस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स क्वाइट ईजी टू बी कंसिडर्ड ए म्यूजियम पीस एज यू एज इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड. वेल, एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में, जैसे कि टीवी की दुनिया में या फिर सिनेमा की दुनिया में, अगर आपकी उम्र हो चुकी है, यू आर कंसिडर्ड एज ए म्यूजियम पीस. लोग आपको एज ए म्यूजियम पीस कंसिडर करते हैं क्योंकि आप इस जमाने को बिलोंग नहीं करते. शी इज हार्डली ए म्यूजियम पीस, पीपल स्टिल फ्लॉक टू थिएटर्स टू वॉच अ मूवीज. वो कतई म्यूजियम पीस नहीं है, लोग आज भी उसकी मूवीज को देखने के लिए थिएटर में जाते हैं. नंबर फोर, द शो मस्ट गो ऑन. दिस idiom means that an event or activity must continue even if there are problems of difficulties. दुनिया में problems या difficulties आती रहती हैं, but इसके बावजूद जिंदगी चलती रहती है. यानी कि कोई भी event या activity हमेशा चलते रहती है problems के बावजूद. We can trace this phrase back to 1800 when it was first coined by a circus by Paul. बट ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ फिल्म मेरा नाम जोकर में राज कपूर का ये गाना, जीना यहाँ मरना या इसके सिवा जाना कहा, जिसमें द शो मस्ट गो ऑन का जिक्र किया गया है. एग्जाम्पल सेंटेंसेस, इनडीड द शो मस्ट गो ऑन सो शी परफॉर्म्ड हर पार्ट डिस्पाइट बीइंग सिक. हालांकि वह बीमार थी, इसके बावजूद चूंकि शो चलते रहना चाहिए, उसने अपना परफॉर्मेंस स्टेज में दिया. आई हैव गॉट अ टेरिबल कोल्ड बट आई हैव गॉट टू गो टू वर्क, शो मस्ट गो ऑन. मुझे बहुत सर्दी है बट मुझे काम पे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन. नंबर फाइव, डॉग एंड पॉनी शो. यानी एक ऐसा शो जो यूजुअली ऑर्गेनाइज इसलिए किया जाता है ताकि लोगों का सपोर्ट मिल सके एंड दे कैन बी परसुएडेड टू बाई समथिंग, यानी लोग उसे खरीद सकें. यानी एक तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट है या एक तरीके से पब्लिसिटी है ताकि लोग उस इवेंट के द्वारा जान सकें कि ये स्टफ क्या है और उसे खरीद सकें. एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द होल पार्टी वॉज जस्ट ए डॉग एंड पॉनी शो फॉर द पॉलिटिशियंस.
यानी कि ये पॉलिटिशियंस को अपनी पार्टी का प्रमोट करने का इरादा था, तो ये पार्टी जो था इट वॉज जस्ट ए डॉग एंड पॉनी शो. इन द मिलिट्री ए डॉग एंड पॉनी शो कैन रेफर टू ए मिलिट्री परेड दैट शोज ऑफ अ कंपनीज मिलिट्री प्रोग्रेस. दैट मीन्स यूजुअली मिलिट्री में जब कंपनी का मिलिट्री पावर दिखाना है तो फिर मिलिट्री परेड किया जाता है. सो इट कैन बी रेफर्ड एज अ डॉग एंड पॉनी शो. नंबर सिक्स, टू रन द शो. टू रन द शो मीन्स टू बी इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी. सो कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या समवन हु इज इन द चार्ज जो कि ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटी को रन करते हैं उसे कहते हैं टू रन द शो. फॉर एग्जाम्पल द प्रोड्यूसर्स रन द शो बट दे डोंट लाइक बींग इन द लाइम लाइट. यानी कि प्रोड्यूसर्स शो को जरूर रन करते बट उन्हें लाइम लाइट पे रहना पसंद नहीं है, वो बिहाइंड द कर्टेन रहना चाहते. सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज बेटर टू सेट अप एन अपॉइंटमेंट विद द पीपल हु रन द शो. यानी जो लोग शो को रन कर रहे हैं, यानी जो लोग एक्चुअल में डील कर रहे हैं, उन लोगों के साथ अपॉइंटमेंट सेट करना ज्यादा बेहतर है, ना कि दूसरे लोगों से. सो इफ समवन इज रनिंग द शो, इसका मतलब उस पूरी एक्टिविटी का या ऑर्गेनाइजेशन का चार्ज उसके हाथों में है. नंबर सेवन, अ स्टार स्टडेड इवेंट. A star-studded event is one that is attended by lots of famous people from the entertainment industry. अगर कोई पार्टी है या इवेंट है जहाँ पे खूब सारे स्टार्स और खूब सारे फेमस पीपल जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो आते हैं, तो फिर उसे स्टार स्टडेड इवेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट इट्स स्टार स्टडेड कास्ट द फिल्म वॉज ए फ्लॉप. हालांकि इस पिक्चर में खूब सारे एंटरटेनमेंट के फेमस पीपल थे, इट वॉज अ स्टार स्टडेड कास्ट, इन स्पाइट ऑफ दैट यानी कि इसके बावजूद ये पिक्चर जो थी टोटल फ्लॉप हुई. नंबर टू, अंबानी स्टार स्टडेड पार्टी वॉज द टॉक ऑफ द एंटायर कंट्री. अंबानी जी ने जो पार्टी दिया था उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के खूब सारे फेमस पीपल थे एंड इट वॉज द टॉक ऑफ द एंटायर कंट्री. यानी सारे देश में लोगों में इसकी चर्चा है. नंबर एट, टू स्टील द शो. नाउ टू स्टील द शो इज टू डू समथिंग दैट विल विन द ग्रेटेस्ट प्राइज. यानी कि शो था, कोई पार्टी था, कोई इवेंट था, उसमें किसी ने एक इतना बढ़िया शो दिया कि सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, तो फिर उसे टू स्टील द शो कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हर स्पीच ऑन क्लाइमेट चेंज रियली स्टोल द शो. उसका जो स्पीच था क्लाइमेट चेंज के ऊपर वह तारीफ काबिल थी और इट स्टोल द शो, यानी सब लोग उसकी वाहवाही करने लगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज दैट चाइनीज एथलीट हु स्टोल द शो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ओलंपिक्स. ओलंपिक्स के पहले दिन में ही वो जो चाइनीज एथलीट था उसने सबकी वाहवाही ली, यानी उसने वो शो का पूरा श्रेय चुरा लिया. He was worth the greatest praise. Next, a showstopper, meaning an event that provokes such a strong reaction from it that it stops whatever is happening. यानी कि कोई अगर इवेंट चल रहा है, कोई पार्टी चल रही है, उसमें एक पर्टिकुलर शो जो कि इतना बढ़िया होता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लेता है पीपल से, ताकि सारी चीजें बाकी जो उसके सामने धूमिल हो जाती हैं और वो शो वहीं स्टॉप हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हिज स्पीच वॉज ए रियल शो स्टॉपर. यानी उसका स्पीच इतना बढ़िया था कि बाकी सारी शो वहां बंद हो गई एंड उसने लाइमलाइट को चुरा लिया. नंबर टू, आई कैन गारंटी दैट एटलीस्ट थ्री ऑफ दिस नंबर्स विल बी शो स्टॉपर्स. मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से एटलीस्ट तीन नंबर यानी तीन गाने ऐसे हैं जो कि शो स्टॉपर्स होंगे, यानी कि लाइमलाइट को चुरा लेंगे और बाकी शो में सिर्फ और सिर्फ यही तीन गाने छा जाएंगे. नंबर 10, 15 मिनट्स ऑफ फेम. इट इज शॉर्ट लिव्ड मीडिया पब्लिसिटी और सेलिब्रिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और फेनोमेनन. यानी कि किसी की पब्लिसिटी या सेलिब्रिटी इतने कम समय तक रहे कि उसको 15 मिनट्स ऑफ फेम कहते हैं. यानी सिर्फ कुछ वक्त के लिए अपना गौरव हासिल करना. जैसे कि
Rani had her 15 minutes of fame when she appeared on The Little Champion Show broadcast. जब Little Champion Show broadcast हुआ, उसमें रानी ने सिर्फ 15 minutes of fame चुरा लिया. यानी उसको सिर्फ 15 मिनट ही मिले जब वो पूरी दुनिया में फेमस हो गई. Next, that viral YouTube video gave Mark his 15 minutes of fame. वो जो YouTube में वो वीडियो जो वायरल हुआ, उसने मार्क को उसका 15 मिनट्स ऑफ फेम दिया. यानी कुछ वक्त के लिए वो बहुत बहुत फेमस हो गया. नंबर 11, टू स्टील समवन्स थंडर. टू स्टील समवन्स थंडर मींस टू यूज समवन एल्सस आइडिया फॉर वन्स ओन एडवांटेज और टू प्रीएम्प्ट देम. यानी कि किसी और की शोहरत को चुरा लेना. यानी किसी ने और ने सोचा था कि मैं ये काम करके मशहूर हो जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, या लोग खुश होंगे अगर मैं ये बताऊंगा. उस काम को या उस चीज को कोई और बता के अपना श्रेय ले लेता है, तो उसे स्टीलिंग समवन्स थंडर कहते हैं. जैसे कि आई डिडंट मीन टू स्टील योर थंडर बट आई जस्ट हैड टू टेल योर मॉम अबाउट योर ट्रांसफर टू होम टाउन. मैं तुम्हारे श्रेय को चुराना नहीं चाहता था, बट मुझे लगा कि तुम्हारी मम्मी को सबसे पहले मैं ये खबर दूं कि आपका होम टाउन में ट्रांसफर हो गया है. यानी कि कायदे से उसे नहीं बताना चाहिए था, बट ही डिड स्टील हिज थंडर. मार्टिन स्टोल माय थंडर व्हेन ही टोल्ड माय पेरेंट्स अबाउट माय प्रमोशन 2 डेज बिफोर. आई हैड प्लान्ड टू टेल माय पीपल अबाउट माय प्रमोशन. यानी मेरा प्रमोशन हुआ और मैंने सोचा था कि मेरे पेरेंट्स को मैं खुद बताऊंगा, बट उसके दो दिन पहले ही मार्टिन ने मेरे पेरेंट्स को मेरे प्रमोशन के बारे में बता दिया. इस तरीके से ही स्टोल माय थंडर. यानी मेरी खुशी जो मिलती कि जब मैं अपने पेरेंट्स को बताता, उसने वो खुशी मुझसे छीन ली. सो ही स्टोल माय थंडर. वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस अबव एक्सप्लेन्ड एंटरटेनमेंट इडियम्स, देयर आर सम अदर इडियम्स आल्सो फ्रॉम द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड. ऊपर एक्सप्लेन किए गए 11 इडियम्स के अलावा भी काफी सारे हैं. उसमें से ये चार फेमस है, जैसे कि बिहाइंड द कर्टेंस, बिहाइंड द सीन्स, ब्रिंग डाउन द कर्टेंस और टू ब्रेक ए लेग. बिहाइंड द कर्टेंस मतलब इन सीक्रेट या इन द डार्क भी बोल सकते हैं, दैट इज समथिंग विच इज आउट ऑफ द पब्लिक व्यू. बिहाइंड द सीन्स का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज आउट ऑफ साइट ऑफ द पब्लिक एट अ थिएटर और ऑर्गेनाइजेशन. ब्रिंग डाउन द कर्टेंस मतलब टू ब्रिंग एन एंड टू समथिंग. यानी ये करियर भी हो सकता है या कोई मूवी का भी हो सकता है, दैट इज ब्रिंगिंग डाउन द कर्टेंस. टू ब्रेक ए लेग एक्चुअली इसका मतलब टू विश समवन गुड लक होता है, स्पेशली व्हेन समवन इज परफॉर्मिंग इन द स्टेज. ऑफन जब एक्टर्स स्टेज में जाते हैं, उनको इंस्टेड ऑफ बेस्ट ऑफ लक नहीं बोल के कहा जाता है कि ब्रेक ए लेग. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. डिड यू लाइक दिस वीडियो? इन दैट केस प्लीज गिव मी अ थम्स अप, लाइक इट, शेयर इट. And let's wait for the next video. Milte hain next video mein. Thank you. Thank you very much.